तालाब में फेंकेंगे, फिर ऊपर से जाल को फेंकेंगे, दाना खाने में आने के लिए बड़ी बड़ी मछली और मछला आकर के उस जाल में फंस जाते हैं। फिर कितने भी ताकतवर हो वो फिर जाल से बाहर, लेकिन जब वो दाना फेंकते हैं तो कुछ दाने सीढ़ियों पर भी दाने गिर जाते और छोटी छोटी मछलियां आ जाती। तो तुम गौर करना, जो बड़े बड़े मछलियां हैं जो दाना खाने के लिए जाती हैं, जो बीच तालाब में रहती वो तो पकड़ी जाती हैं, पर जो चरणों के पास रहती हैं वो चरणों के पास आकर उन्हें दाना भी मिल जाता, पर चरणों के पास आने के कारण वह पकड़ नहीं पाती हैं। और बीच वाले बड़े बड़े बुद्धिमान मछली, बड़ी बड़ी बुद्धिमान मछलियां पक, हम अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे तो संतार के संकट रूपी जाल में नहीं पड़ेंगे, चरणों के पास रहने से सारे संकट हमसे। वही याद कर लो, जो शिष्ट है वही विशिष्ट है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। पन्ने का उपाय क्या? अपने से बड़ों का आदर करो। आज हम महाकालेश्वर गए, आहा भैया खूब आनंद आया, अभिषेक किया हमने, अरे खूब आनंद गिरा। हम हमारे अक्षत चौधरी जी सुबह से ले गए, 8 बजे चल पड़े, 8:30 बजे हम 9 बज गए थे, गए गाड़ी से जाकर वहां के पुजारी जी आए, खूब आनंद से, आहा भैया जल चढ़ाया, घृत चढ़ाया, पंचा ध्वनि क्या, वेद ध्वनि क्या, आचार्यों ने गाया, श्लोकों की ध्वनि गाई, क्या षोडशोपचार से पूजन किया, और वह जयकारों के साथ गूंजता हुआ हमारा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन, हरा हरा हर हर की नगरी में जहां देखो। अरे भैया उज्जैन का तो कंकड़ कंकड़ भी शंकर शंकर है। ज्योति जो लोकन्यास की सौंदर्यता, भैया उज्जैन महाकालेश्वर में दर्शन करने वाला सौ भी शिव बन जाता है।